एक टोटके ने टीम इंडिया को बनाया था 1983 का चैंपियन। उस विश्व कप में हैरान करने वाले टोटके की कहानी जब कपिल देव ने टीम इंडिया को दी थी जीत की निशानी। अगर ड्रेसिंग रूम में ना होता वो काम तो 1983 का विश्व कप ना जीत पाता भारत। जैसे ही उस मैच में कपिल देव क्रीज पर आए, किसी ने हाथ पैर क्यों नहीं हिलाए। वो दिलचस्प मैच जब थम गई थी फैंस की सांस, तब टीम के मैनेजर ने खिलाड़ियों को वो टोटका बताया जिसने टीम इंडिया को रोमांचक मैच जिताया। वो मैच जिसमें कपिल देव को बना दिया था महान, बन गए थे विश्व विजेता कप्तान। जब टीम इंडिया ने दिखाई ताकत, एक टोटका बन गया था विपक्षी टीम पर आफत। जी हाँ, ये बात साल 1983 के विश्व कप के दौरान की है। कम लोगों को पता होगा कि उस विश्व कप में एक मैच में टीम इंडिया ने टोटका किया था। मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी बिना हिले डुले खड़े रहे थे, कोई अपनी जगह से नहीं हिला था। फिर जो हुआ उसने इतिहास रच दिया और वो काम कर दिया जिसे आज भी दुनिया याद रखती है। इस टोटके ने कपिल देव को क्रिकेट जगत का महान कप्तान बना दिया और भारत को विश्व चैंपियन। तो चलिए आज हम आपको इस स्टोरी में हम आपको वो रोमांचक मैच की कहानी बताएंगे जिसे जीतने के लिए टोटके का सहारा लिया गया था। दरअसल ये तो आपको पता होगा कि कपिल देव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीत का इतिहास रचा था। वो न केवल भारत की पहली ICC ट्रॉफी थी बल्कि वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को इंग्लैंड में हराना भारत के लिए आसान नहीं था। मगर कपिल देव की टीम के जोश ने असंभव को संभव कर दिया और ट्रॉफी उठाई। लेकिन कहा जाता है कि इस विश्व कप को जीतने में जितना योगदान खिलाड़ियों का था, उतना ही योगदान उस टोटके का था। अब पूरी कहानी सुनिए। दरअसल ये टोटका भारत जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मुकाबले में इस्तेमाल किया गया था, जहां पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने 17 के स्कोर पर ही 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे। टीम इंडिया की मैच में हालत खराब हो गई थी, लेकिन विश्व कप जीतने के लिए वो मैच जीतना बेहद जरूरी था। ड्रेसिंग रूम में उदासी थी, हर कोई परेशान था। ये समझ नहीं आ रहा था कि क्रीज पर जाकर कौन रन बनाएगा। उस अहम मुकाबले में कपिल देव ने पारी को संभाला और 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। बताया जाता है कि जब कपिल देव क्रीज पर सेट हो गए थे, उस वक्त उनके आउट ना होने के लिए टीम के मैनेजर मानसिंह ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ एक टोटका किया था। दरअसल जिस वक्त कपिल देव क्रीज पर रन बना रहे थे और भारत के स्कोर को आगे ले जा रहे थे, उस वक्त मैनेजर मानसिंह ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, जब तक कपिल खेलेगा कोई कहीं नहीं जाएगा। और उस टोटके का असर भी देखने को मिला। कपिल उस मैच में क्रीज पर ऐसे जमे कि इतिहास बना डाला। कपिल देव ने उस मैच में न केवल शतक लगाया बल्कि शानदार गेंदबाजी भी की और टीम इंडिया को मैच जिताया। टीम इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी की बदौलत बोर्ड पर 266 रन बनाए थे। वहीं जवाब में जिम्बाब्वे की टीम भारत के खिलाफ 235 रनों के स्कोर पर उल्टीम आउट हो गई थी। इस शानदार प्रदर्शन के लिए कपिल देव को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस वेस्टइंडीज के खिलाफ उस फाइनल मैच को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन असल में फाइनल तो भारत उसी दिन जीत गया था जिस दिन उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया था। क्योंकि टीम इंडिया अगर उस मैच को हार जाती तो फाइनल में कभी नहीं पहुंच पाती और टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। लेकिन कपिल देव ने जो पारी उस दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी जब किसी भारतीय कप्तान और ऑलराउंडर के द्वारा किसी भी विश्व कप में सबसे बेहतरीन पारियों की बात होती है, तो वो पारी सबसे बेहतरीन पारियों में से गिनी जाती है। तो आपका कपिल देव की उस पारी पर क्या कहना है और टीम इंडिया के उस टोटके को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।